Good morning, students. Welcome to Studywell e-learning. Students, आज हम chapter 6 triangles इसके बारे में study करेंगे. Students, इसमें सबसे पहला topic जो हमारा आता है, वो है congruency और similarity. Students, दो figure कब congruent होती हैं? Students, I have two hands. One covers the other. एक हाथ दूसरे को पूरी तरह cover कर रहा है. If one covers the other, it means one is congruent to other. ये क्या है? Congruent figure है. तो similar में क्या होता है? एक square है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर. एक square की साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरा एक square ले ले, उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर. तो ये दोनों फिगर दोनों ही क्या है? Square है, लेकिन दोनों की साइड अलग है. लेकिन साइड्स क्या होंगी? Proportional. ये दोनों क्या होंगी? Similar figures होंगी. यानी साइड चेंज होंगी, लेकिन वो साइड्स क्या होंगी? सारी साइड प्रोपोर्शनल होंगी. सारे एंगल अभी भी कितने हैं स्क्वायर के? 90 डिग्री ऑफ ईच एंगल. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. साइड साइड्स क्या हैं? प्रोपोर्शनल. 3/7 3/7 3/7 ये है. 3 दोनों स्क्वायर्स की साइड की रेशियो है. इसका मतलब सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एंगल भी सेम हैं. तो दो फिगर हमारी क्या हो गई? सिमिलर हो गई. अब स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के केस में क्या दो ट्रायंगल इक्वल होंगी? दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी या कॉन्ग्रेंट होंगी? कॉन्ग्रेंट. अगर एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी स्टूडेंट्स. और साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है. लेकिन अगर दोनों हम लेके चले इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होंगे. क्यों? अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और ईच एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. किन कोई भी हम दो साइड जितनी मर्जी लेंथ की ले लें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम. सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल क्या है? 60 डिग्री. तो वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी. स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं हूँ, मेरी एक पिक्चर ले लें, ठीक है. अब मेरी करंट पिक्चर ली आपने, अलग अलग साइड में बना दी, तो क्या वो सिमिलर होगी? हाँ होगी. बट अगर बिल्कुल होगी, क्योंकि सेम मेजरमेंट्स के साथ एक दूसरी पिक्चर ली जाए अलग अलग साइज की, वो सारी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. अब एक बच्चा है, उसकी एक 10 ईयर की एज में आपने एक पिक्चर ली और एक आपने उसकी पिक्चर ली 28 की एज में, तो क्या वो सिमिलर होंगी? नहीं. अगर साइज सेम है, मेजरमेंट सेम है, तो ही दो फिगर्स को हम कंपेयर करके सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. एक बच्चा 10th में उसकी मेजरमेंट डिफरेंट थी और 20 ईयर की एज में उसकी मेजरमेंट डिफरेंट थी, तो ये दोनों उसकी सेम साइज की, एक ही पर्सन की सेम साइज की अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग साइज की पिक्चर्स, वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगी. स्टूडेंट्स, तो क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? सारे सर्कल सिमिलर होते हैं. और एनी एग्जांपल कि आपके क्लासरूम में कोई आपके पास एग्जांपल हो जिसमें कि हम जिसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लेकर चलें क्लासरूम में, तो क्लास में आपके चौक ऑफ डिफरेंट साइज आर सिमिलर टू ईच अदर, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है. तो ये हमारा है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल सर्कल फिल अप्स, फिल इन द ब्लैंक्स. 6.1 एक्सरसाइज फर्स्ट question. All circles are fill in the blanks. All circles are, students, all circles are similar. Second, all squares are also similar. All triangles, is all triangles are similar? No, only equilateral triangles are similar. All equilateral triangles are similar, students. तो next में हम बात करें two polygon. Polygons क्या होती हैं students? Line segment से बनी हुई कोई भी closed figure is known as polygon. Polygon एक closed figure है जो कि हमें line segment से मिलती है, को join करके मिलती है.
तो टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. अब दो पॉलीगन है हमारे पास, कोई भी दो पॉलीगन, तो वो उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो कब सिमिलर होगी? अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल. और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल. तो वो क्या हो जाएंगी? सिमिलर. नाउ स्टूडेंट्स, हमें एक कोई दो एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के. तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. Same picture in different sizes are also similar to each other. Non-similar figure, अब अगर हम एक square ले लें और एक triangle, दोनों की measurement अलग है, ठीक है, दोनों का concept ही अलग है, दोनों किसी भी तरह से similar नहीं है, तो एक triangle ये क्या होंगी? हमारी non-similar figures. तो students, अब question number हम third में आए, तो question number third में हमें दिया हुआ है एक rhombus. एक रोम्बस गिवन है स्टूडेंट्स और एक स्क्वायर गिवन है. रोम्बस की ईच साइड क्या है? 1.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर की हर साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, क्या ये एक रोम्बस और स्क्वायर सिमिलर होंगे? दोनों की साइड्स इक्वल है बट इनका एंगल डिफरेंट है. दो फिगर कब सिमिलर होंगी? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो. तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इनका दीज फिगर आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड बीपीटी थ्योरम. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. प्लीज like and subscribe my channel.